दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोनिका कटिंग एंड स्टिचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी 32 चेस्ट के। आपको छोटी छोटी जो मिस्टेक रहती है ब्लाउज में वो भी बताऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर टिक कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये अस्तर लिया है, इसको हम इस तरीके से फैला देंगे। तो इसे एक जैसा करना है हमें। ओपन साइड की तरफ से निशान नहीं लगाना है, फोल्ड तरफ से लगाना है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई हमें चाहिए 14 इंच। तो 14 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम इस तरीके से बराबर निशान लगा देंगे। इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस वाली लाइन की करेंगे जो हमने 15 इंच पे निशान लगाया है। ये मार्जिन के लिए जो हमने 1 इंच लिया था उस पे, तो हम यहीं से कटिंग करेंगे। तो हम इसको हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो है 32 इंच। 32 के हम 4 भाग करेंगे, 8 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। 10 इंच पे हमें निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम गले पर निशान लगाएंगे, तो गला हम लेंगे 2.25 इंच पर और 5.5 इंच पर शोल्डर। 5 इंच पे शोल्डर लेना है और 2.25 इंच पे गला लेना है। गले की लंबाई ले लेंगे, तो हमें पीछे का गला चाहिए 10 इंच का, तो हम 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। चौड़ाई में लेना है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे। हमने ऊपर 2.25 पे निशान लगाया है, हम नीचे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको मिला के यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर हम गोलाई देंगे ये इस तरीके से। अब हम आर्म होल लेंगे 6 इंच पर, गोलाई हम देंगे 1.5 इंच पर। तो इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। अब हम यहाँ पे 4 इंच का इधर से निशान लगाएंगे और 5 इंच पर इधर से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से मैंने पीछे का पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम आगे के पार्ट के लिए निशान लगाएं। आगे के पार्ट में हमें लंबाई चाहिए 13 इंच, तो 13 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। ये सिर्फ कमर बेल्ट को छोड़ के निशान है, कमर बेल्ट हम अलग से निकालेंगे। तो ये 13 इंच पे मैंने निशान लगाया है। चेस्ट हम लेंगे 32 की चौथाई 8 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। हमने पीछे के पार्ट में 2 इंच मार्जिन के लिए लिया था, हम आगे के पार्ट में 2.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम गले पर निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर, 5.5 इंच पर शोल्डर का गला हम लेंगे, 6 इंच का यहाँ 2.25 इंच पर। पीछे हमने 1.5 इंच पे गोलाई दी थी, हम आगे 1 इंच पर गोलाई देंगे। जैसे ये हम लंबाई अगर 13 इंच की लेंगे कमर बेल्ट को छोड़कर, कमर बेल्ट ऊपर चढ़ता है सीने के ऊपर, तो वो नहीं चढ़ेगा, वो परफेक्ट रहेगा। आप किसी भी ब्लाउज की लंबाई ये कमर बेल्ट को छोड़ के 13 इंच की ही लें तो उससे आपका ब्लाउज परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे जो आप कमर बेल्ट निकालते हो, तो यहाँ पे आपको आगे गले की तरफ क्या करना है कि पहले ऐसे ही सीधी लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, और यहाँ पे आपको 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है 1/2 इंच पे, और यहाँ से 2.5 इंच पर, ये 2.5 इंच पे, और इस निशान को इस निशान से इस तरीके से निकालना।
तो ये पूरा कमर बेल्ट एक जैसा निकलेगा। और फिर आपको यहाँ से बीच सेंटर में, जैसे हमने 10.5 लिया है, आपको 5 इंच पे यहाँ पे आपको इस तरीके से निशान लगाना है। हम कमर बेल्ट की लंबाई नापेंगे, ये इधर से नापेंगे तो 3.5 इंच पे आएगी, नापेंगे तो 3 इंच पे। मतलब पीछे के पार्ट में हमने 1 इंच मार्जिन लिया था और आगे के पार्ट में हमने 2 इंच मार्जिन लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे कमर बेल्ट जॉइंट करते हैं इसलिए हमें बढ़ाना है। 4 टक्स के निशान लगाएंगे तो इधर गले की तरफ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है, 2.5 इंच पे। फिर यहाँ से आपको 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से आपको लेना है 3 इंच और इस निशान को इस निशान से मिलाना है। यहाँ से आपको लेना है 2.5 इंच और इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिलाना है। आप ऐसे भी नाप सकते हो, ऐसे 5.5 इंच पे आ रहा है। फिर यहाँ से हमें ये 6.5 पे आ रहा है तो हमें 3 इंच 2 पॉइंट पे यहाँ पे निशान लगाना है इस तरह। और यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच। ये चारों सेल पे हमने इस तरीके से हमें निशान लगाना है 1 इंच पे और यहाँ से हम इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से इस निशान को यहाँ से हमें यहाँ से सिलाई में बिल्कुल कम कम लेना है और ये ज्यादा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कमर बेल्ट है, पीछे का पार्ट। अब हम आस्तीन निकालेंगे, हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो लंबाई में ले रही हूँ 19 इंच आस्तीन चाहिए हमें 2.5 की, तो मैं 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच पे इस तरीके से मैंने निशान लगाया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और यहां से इस तरीके से हमें ये मैंने आस्तीन कट कर ली है। पहले पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तरीके से हमने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टिक